शरद पवार यांना वाऱ्याची दिशा लक्षात आली, ते असं कधीच काही करत नाही, ज्यातून त्यांचं नुकसान होईल वाऱ्याची दिशा बदलत असल्याचं लक्षात आल्यानं शरद पवार यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली असं म्हणत म्हाड्यातील सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. अकलूज येथील प्रचार सभेत मोदी यांनी पवारांवर निशाणा साधलाय. म्हाडा लोकसभा मतदारसंघाकडे भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी प्रतिष्ठेची लढाई म्हणून बघत आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादीचा हा बालेकिल्ला जिंकण्यासाठी आता भाजपने थेट पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रचार सभेचं आयोजन केलं होतं. नेता नाही बोलते, फौजियों की उंगली बोलती है, फौजियों की उंगली चलती है, गोलियों की बौछार होती है, दुश्मनों के सीने चीर लेते हैं. और तब शरद राव बौखला गए थे, उनको लग रहा था ये भाषण के लिए ठीक है, करेगा क्या मोदी, करके दिखाया कि नहीं दिखाया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया. आप खुश हैं, आपको संतोष है, मेरी दिशा सही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. 2014 में आपके आदेश के बाद, आपकी इच्छा के बाद, आपके इस प्रधान सेवक ने देश की नीति और रीति बदल दी है. अब हम हमला होने के बाद महाराष्ट्र में कितने धमाके हो गए, कितने शहरों में धमाके हो गए, और मुंबई तो एक प्रकार से आतंकवादियों का स्वर्ग बना दिया गया था. और बाद में सरकारों ने क्या किया, कुछ कर पाए क्या? आप जरा जवाब दीजिए, कुछ कर पाए क्या? चुप बैठे थे कि नहीं बैठे थे? भाइयों बहनों, अब हमला होने के बाद हम घर में घुसकर मारते हैं. आपको नए भारत की नई रीति, नई नीति, क्या यही रास्ता पसंद है कि नहीं है? यही रास्ता आपको मंजूर है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल है जिनको इससे भी तकलीफ हो रही है. वो देश के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन आपका ये चौकीदार उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा. इनकी साजिशों और देश हित के बीच मैं दीवार बनकर के खड़ा हूं, और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे शक्ति दीजिए. छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए, माता भवानी की धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए, विठोबा की इस धरती से मुझे आदा चाहिए, संत रामदास जी की धरती से आशीर्वाद चाहिए. आप मुझे बताइए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है? भाई और बहनों, अपनी इस करनी की वजह से ही कुछ महामिलावटी दलों पर देश का विश्वास पूरी तरह उठ गया है. अरसे बाद मैं एक ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां जनता और सरकार, और पहली बार देखा जा रहा है कि देश की जनता सरकार को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए, फिर से बिठाने के लिए, मोदी के हाथ में फिर से देश देने के लिए जनता खुद प्रचार कर रही है, अपने खर्चे से कर रही है, अपनी समय दे रही है. इतनी कड़ी धूप में बच्चे, बूढ़े, माता बहने, गांव शहर, लोग निकल पड़े हैं. लोग घर घर जाकर मोदी को वोट देने के लिए कह रहे हैं.
साथियों, आपका विश्वास ही तो मेरी पूंजी है, यही मैंने कमाया है, मेरे पास और कोई कमाई नहीं है। भाइयों और बहनों, याद करिए,